दोस्तों, फेसबुक को सिक्योर कैसे करें इसके बारे में मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूं। तो आपको मैं तरीका बताने जा रहा हूं कि जैसे ये मेरा एक डमी अकाउंट है, तो मैं आपको इसमें तरीका बताऊंगा कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो आपका फेसबुक अकाउंट है उसको लॉगिन करके उसके जो थ्री डॉट दिखाई दे रहे हैं उस पर जाना है। उस पर जाने के बाद नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपके सामने सेटिंग्स का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करना है, ठीक है। जिस पर जैसे ही आप सेटिंग पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से बहुत सारे ऑप्शन ओपन हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है कि आपको पर्सनल एंड अकाउंट इन्फॉर्मेशन इसको चेक करना है, ठीक है। उसके बाद आपको बैक जाना है, पासवर्ड एंड सिक्योरिटी, ठीक है। तो इस पर जाओगे तो आपको पासवर्ड यानी कि आपको चेक योर इम्पोर्टेंट पासवर्ड सेटिंग पे जाके क्लिक करना है। तो इसमें आपको ब्लू टिक आना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन फेसबुक ऑन करना है, ठीक है। तो जैसे ही आप ऑन करोगे तो आपको ब्लू टिक आ गया, ठीक है। उसी प्रकार आपको टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन पे जाके अपने को टेक्स्ट मैसेज के जरिए करना है, ठीक है। टेक्स्ट पे क्लिक किया, कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। उसके बाद में आपको मोबाइल नंबर एंटर करना है जो कि आपके फेसबुक आईडी के साथ रजिस्टर्ड है, और उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है, ठीक है। उस प्रकार आपको 6 अंक का एक कोड प्राप्त होगा जो आपको एंटर करना है, ठीक है। कोड जैसे ही आप कोड एंटर करेंगे उसके बाद आपके सामने कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद डन पे क्लिक कर देना है। क्लिक किया, जैसे ही आपको अब आप जाके चेक करोगे तो आपके सामने नो इश्यू फाउंड आ जाएगा, ठीक है। आपका फेसबुक एकदम क्लियर है। तो उसके बाद आपको लग रहा है कि मेरा कहीं हैक है, तो उस पर जाके वेर यू लॉगिन पे जाके चेक करेंगे। तो आपको अगर एक अकाउंट है तो ये कन्फर्म कर ले कि ये मेरा फ़ोन है, ठीक है। नहीं है तो आपको लॉग आउट कर देना सभी को। तो इसी प्रकार आप इस को चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आपको अगर ऐसा लग रहा है कि मेरा अकाउंट में कुछ इश्यू आ रहा है तो आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं, जिसमें आप कुछ भी प्रकार से आपको जैसे आई फाउंड ए पोस्ट जो आपके द्वारा क्रिएट नहीं की गई है, समवन एल्स गोट इन टू माई अकाउंट विदाउट माई परमिशन, यानी किसी द्वारा मेरा हैक कर लिया गया, आई फाउंड एनी अकाउंट, यानी इस पर करके आप कंटिन्यू करेंगे तो आपके सामने ये जो फेसबुक है अपने एक अलग से उन्होंने तरीका बता रखा है वो आपके सामने शो कर देगा, यानी कि एक हेल्प के तौर पे आपको एक एक पॉइंट टू पॉइंट तरीका बता देगा कि भाई आपके साथ जो घटना हो रही है उसको आप किस प्रकार से डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है जो मैं आपको देने जा रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अब रही इश्यू के, कई बार होता है कि वीडियो कॉल ब्लैकमेल हो जाते हैं तो हम घबरा जाते हैं कि क्या करें, यानी कि वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग अमून अपने फेसबुक के ज़रिए होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि जैसे आपको पर्सनल एंड अकाउंट इन्फॉर्मेशन में जाना है, वहाँ पे जाने के बाद अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोल में जाके डिलीट एंड डीएक्टिवेशन का एक ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे क्लिक करना है। वहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको जैसे दो ऑप्शन खुलेंगे तो आपको जैसे डीएक्टिवेट करना चाहते हैं, अगर यूज़ करना चाहते हैं दोबारा से तो डीएक्टिवेट करिए, अन्यथा डिलीट पे कर दें। जैसे मैं यूज़ नहीं करना चाहता तो मैं डिलीट अकाउंट पे क्लिक कर रहा हूँ, कंटिन्यू टू अकाउंट डिलीटेशन, ठीक है। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो मेरे सामने एक ऑप्शन आएगा जिसमें मेरे से दोबारा रीज़न पूछा जाएगा कि भाई आप फेसबुक से क्यों परेशान हैं, क्यों डिलीट करना चाहते हैं। तो मैंने अपना एक रीज़न चुन लिया, ठीक है। उसके बाद कंटिन्यू टू डिलीट पे करूँगा तो मैं नीचे जाकर डिलीट अकाउंट पे क्लिक करूँगा। तो क्लिक करने के बाद जो ऑप्शन मांगेगा तो मैं आपको सिक्योरिटी पर्पज़ के कारण नहीं बता पा रहा हूँ। पहले आपको पासवर्ड एंटर करना है, फिर आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। तो जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो फेसबुक है उसके द्वारा कुछ इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी, उसके बाद आपको डिलीट अकाउंट पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो आपका अकाउंट जो टेम्परेली डिलीट हो जाएगा और 30 दिन में आप ओपन कर सकते हैं।